सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनंत और स्वागत है आप सबका द खिचड़ी वाइंस में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए अपने ही तरह की पहली प्रस्तुति टेक वाइंस। जी हाँ, टेक वाइंस, जिसमें टेक्निकल न्यूज के साथ साथ आपको वाइंस की खिचड़ी भी परोसी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, उम्मीद है आपको ये नया प्रयोग पसंद आएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक वाइंस में। और आज की टेक्निकल न्यूज के बारे में और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ नए भोपाल से जुड़े हुए हैं नाना चाटेकर। पुराने भोपाल से जुड़े हुए हैं श्री शौकीन जी। ओह यस। नाना जी, सबसे पहले आप बताएं क्या हाल चाल है नए भोपाल के? सब अच्छा है, अच्छा है सर, सब अच्छा है। तू अपनी खबर पढ़, मेरा अच्छा बिना मत सोच। ठीक है नाना भाई, मैं टेक न्यूज पढ़ता हूँ। लेकिन पहले, हाँ, पुराने भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शौकीन जी। तो शौकीन जी, बताएं पुराने भोपाल के क्या हाल है? ओ ये, पुराने भोपाल के हाल बहुत बढ़िया है, तुम अपनी न्यूज शुरू करो। भाई, आपकी टोन कुछ पहचानी पहचानी से लग रही है। आप समीर सुद्दी के रिश्तेदार तो नहीं है? ओ यह, सही पहचाना तूने, मेरे और समीर के बीच में ओ यह का रिश्ता है। टाइम वेस्ट मत कर, न्यूज शुरू कर। तो ठीक है शौकीन भाई, न्यूज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली टेक्निकल अपडेट आ रही है फेसबुक की तरफ से कि फेसबुक अपनी खुद की वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। कुछ कंपनीज की मदद ले रहा है वो इसके अंदर। और मार्क जकरबर्ग ने ये कह दिया है कि हमारी जो ये वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी है वो सबके लिए है, ना कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबके लिए है। तो मार्क जकरबर्ग का ये इशारा हम कह सकते हैं कि स्नैपचैट के जो सीईओ हैं, जिन्होंने अभी बयान बयान दिया था, उनकी तरफ है। तो फेसबुक की तरफ से ये अपडेट है कि फेसबुक अपनी खुद की वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। हाँ, सबके लिए है ये टेक्नोलॉजी। कौन अमीर साला, कौन गरीब, कौन हिंदू, कौन मुसलमान। अब ये कैमरे में देख, ये कैमरा हिंदू का है कि मुसलमान का है, ये बता मेरे को। नाना भाई, आप इमोशनल मत होइए, डायलॉग्स पे मत जाइए अपने। अगली न्यूज सुनिए आप। तो फ्रेंड्स, अगली टेक्निकल अपडेट ये आ रही है माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें साइंटिस्ट्स जो है ऐसी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं जिससे आप किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये आप पता लगा सकते हैं। मतलब सीधे सीधे अगर बोले तो आप किसी का दिमाग पकड़ सकते हैं। ये दिमाग भी कोई पकड़ने की चीज है? अरे कम से कम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ जो वो पकड़ सके। कम से कम रोजाना लड़कों का हाथ तो दुखने से बच जाएगा। ओ ये, अभी तो फिलहाल दिमाग पकड़ने की टेक्नोलॉजी बनी है, लेकिन आपकी दुआ रही तो वो पकड़ने की टेक्नोलॉजी भी बन जाएगी। वो अपन अभी क्लोज करते हैं। अगली न्यूज सुनाता हूं मैं। तो दोस्तों, अगली न्यूज ये है कि अब लैन गेमिंग को बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए इसे एशियन गेम्स में शामिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2022 के एशियन गेम्स में लैन गेमिंग और ई गेम्स को अप्लाई किया जाएगा। उसका इवेंट होगा वहां पे, पर्टिकुलर इवेंट होगा। तो दोस्तों, अगर आप लैन गेमिंग के एक्सपर्ट है, काउंटर स्ट्राइक मिनी मिलिशिया वगैरह ये सब खेलते हैं, तो हो सकता है आगे जाके आप भी एशियन गेम्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ले आए। और ये भी प्लान किया जा रहा है कि अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो इस लैन गेमिंग के इवेंट को हो सकता है ओलंपिक्स में भी ले जाया जाए। दोस्तों, ये ओलंपिक में लैन गेमिंग शामिल होने की बात तो बहुत शानदार है, तो इसी बात पे एक यस मूवमेंट होना चाहिए। yeah, 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 yeah. अगर ओलंपिक में एक और कंपटीशन हो जाए तो गोल्ड तो मैं ही लाऊंगा। कौन सा कंपटीशन? हिलाने का। क्या
ओ यार अरे 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 शौकीन भाई, एक मिनट अगली न्यूज पढ़ लूं मैं, अगली न्यूज। हाँ तो अगली न्यूज दोस्तों ये है, अगली टेक्निकल अपडेट तो कि एप्पल एप्पल जो है अपनी खुद की ड्राइवरलेस कार लॉन्च करने वाला है। कुछ फोटोज लीक हुई है इंटरनेट पे जिससे पता चला है कि गूगल अपनी इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल कर रहा है एक कार पे जो कि लेक्सस कंपनी की है। उस पे एप्पल अपनी इस ड्राइवरलेस कार टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो हमें समझ सकते हैं कि कुछ ही टाइम बाद एप्पल की आपको कार देखने मिलेगी, वो भी सेल्फ ड्राइविंग कार और ड्राइवरलेस कार। आप उसमें बैठे हैं तो सेल्फ ड्राइव कीजिए, नहीं तो ड्राइवरलेस कार भी है वो। अब उसका दाम कितना होगा ये तो नहीं पता, लेकिन एप्पल की तरफ से एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अपडेट है। वाह वाह, मतलब अब एप्पल की कार लेने के लिए आपको किडनी के साथ साथ पेट, लीवर, लंग्स या तक कि अपना वो भी बेचना पड़ेगा। अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं है। अरे नहीं 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 नाना भाई, रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। एप्पल जरूर सोचेगी उसके प्राइस के बारे में और कम ही रहेगा, रिलैक्स। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगली अपडेट ये आ रही है कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है मोबाइल फोन्स के लिए जिसमें मोबाइल फोन्स की जो बैटरी है उसमें निकल का यूज किया जाएगा। यानी लिथियम आयन बैटरीज तो अभी तक आती रहती हैं, तो उसमें निकल का यूज किया जाएगा जिससे उन बैटरीज में आग लगने की संभावना खत्म हो जाएगी या बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो जो बैटरी ब्लास्ट होने की संभावना आती है वो नहीं होगी क्योंकि बैटरीज में निकल का यूज होगा जिससे उसमें आग नहीं लगेगी। आग लगा देंगे, 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 आग लगा देंगे। ओए ये अनु मलिक का भूत कहां से आ गया स्टूडियो में, भगा उसको। यहां मैं आग नहीं लगने की बात कर रहा हूं, यहां पे आग लगा देंगे, आग लगा देंगे चिल्ला रहा है, भगाओ उसको। तो दोस्तों अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट आ रही है रेडमी 4A के को लेकर। तो रेडमी 4A जो MI का सबसे सस्ता फोन है अभी तक, बहुत कम प्राइस की वजह से बहुत पॉपुलर हो गया है। तो इसकी अगली फ्लैश सेल जो है 4 मई को है 12 बजे से, तो जरूर इंतजार कीजिए इसकी फ्लैश सेल का। बहुत बढ़िया फोन है, 6,000 में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। फिर से बता रहा हूँ, फ्लैश सेल इसकी है, अगली फ्लैश सेल, दो फ्लैश सेल हो चुकी है, अगली फ्लैश सेल है इसकी 4 मई को दोपहर 12 बजे से। मैं एक बात पूछना चाहता हूं मोदी जी से, ये MI के जो फोन होते हैं, MI के फोन हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। कंपनी का नाम बोलते हैं जी जायोमी, लॉन्च करते हैं जी रेडमी के नाम से, और डब्बा खोलते हैं हम जी तो अंदर से निकलता है सिर्फ MI। फोन पे लिखा रहता है MI। ये तो स्कैम है जी, स्कैम है। मैं ये चाहता हूं कि मोदी जी इसका जवाब दें, मुझे जवाब चाहिए, नहीं तो मैं धरना दूंगा जंतर मंतर पे, मुझे जवाब चाहिए। ए, ये दिल्ली से मफलर वाला भूत कहां से आ गया भाई, खांसते हुए, भगा उसको। दोस्तों लगता है स्टूडियो का दरवाजा किसी ने खुला छोड़ दिया है, कहीं से भी कोई भी आ जा रहा है। ये मफलर वाला भूत दिल्ली से आ गया, मैं उसको भगा के आता हूं। जब तक, उम्मीद है आपको आज की टेक न्यूज पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द खिचड़ी वाइंस। मैं इन सालों को भगा के आता तुम्हारी। ये तो गया भूतों को भगाने। आप किसके इंतजार में बैठे हैं? सब्सक्राइब बटन दबाइए और बोलिए ओ यार।